दोस्तों आज हम ऊटी से पाइकरा जाएंगे एक ट्रैवल बस में, और जो प्लानिंग है वो है पाइकरा वाटरफॉल्स, फिर पाइकरा बोट हाउस, फिर 9th माइल, ट्री पार्क, पाइन फॉरेस्ट, गोल्फ क्लब, कामराज डैम, ये 8-9 कुछ 7-8 कुछ हैं ऐसे स्पॉट्स जिसे हम देख के आएंगे, तो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो इसके लिए हम तैयार हो चुके हैं, अद्वैत तैयार हो चुका है, और कुछ ही देर में हम निकलने वाले हैं, और बीच बीच में हम जो जो देखेंगे आपको बताते जाएंगे। अभी हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी टूर बस आएगी और उसमें वहाँ पर बैठ के जाएंगे। ये चौक सर्दी है इसलिए अद्वैत ने टोपी पहन लिया है। अभी हम निकलने वाले हैं, ये है सास्के। इसको भी मंदे डाल रहा है। यहाँ पर अभी पूछेंगे, अगर कम पैसेंजर्स हैं तो छोटे गाड़ी में जाएंगे, अगर ज़्यादा हैं तो वो 20 वाले ट्रैवल बस से जाएंगे। ये अभी हम रोज़ गार्डन में आ चुके हैं और अभी हम एंटर करेंगे। बहुत मजा आने वाला है गाइस। मजा आने वाला है, हमारा तो सास के भी देखेगा। अच्छा। नारुतो से एडल्ट 40 रुपीज़, चिल्ड्रन 20 रुपीज़। अभी हम एंटर करने वाले हैं, टिकट देकर भैया छोड़ रहे हैं। हम एंटर कर चुके हैं और ये है पूरा रोज़ गार्डन का एंट्री का व्यू, देखिए। ये रोज़ गार्डन का वीडियो करने के बाद हम इसको डायरेक्टली छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट जो विजिट करेंगे उसका भी करके ऐसे हम छोड़ेंगे। तो एक एक करके अगर हम वीडियो अपलोड करेंगे तो हमको सुविधा होगी, तो आप भी उसी तरह से देख लीजिएगा। गाइस देखिए, ये जो पिंक पिंक फ्लावर है ये कितने अच्छे से चमक रहा है, और इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है गाइस, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए गाइस, ये लाल कलर का है, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस। यहाँ पर ही यहाँ इसका बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, एंड बीच में एक येल्लो कलर का है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए गाइस, ये भी कितना सुंदर फ्लावर है, ये पिंक येलो एंड व्हाइट को मिलकर बना है, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, इन्हें चमक भी रहा है गाइस। एंड ये देखिए गाइस, ये जो येलो कलर का फ्लावर है इसका भी डिजाइन कितना अच्छा है, एंड ये बहुत अच्छी तरीके से चमक रहा है। और ये देखिए गाइस, ये व्हाइट कलर का कितना बड़ा सा फ्लावर है, एंड इसकी जो पिक पिक है और ये बहुत अच्छा से चमक रहा है, तो डिजाइन भी बहुत अच्छा है। अरे हल्का हल्का पिंकिस भी है, बहुत सुंदर है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस तरफ से जाएंगे पूरा सीधा, फिर नीचे ऐसे उतरेंगे, यहाँ से नीचे उतर के फिर वहाँ से वापस आएंगे, फिर वहाँ यहाँ से ये सब हम राउंड करेंगे, इसमें जहाँ जो भी अच्छे अच्छे गुलाब के फूल आएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। ये देखिए बटरफ्लाई स्लैब का फ्लावर गार्डन, बगल में एक बड़ा सुंदर सा जगह है उधर बैठने के लिए। बैठने के लिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बैठने के लिए जो है वो अगर हम बैठ सकते हैं। बड़ा सुंदर सा जगह है गाइस,
हाँ मुझे थोड़ी देर बैठेंगे भी, एंड अगर आप उस जगह के भी थोड़ा सा साइड में रखेंगे, एक छोटा सा घर है, हाँ, और वो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखिए जॉन वाटरर लिखा गया है, ये रोज के वैरायटी का नाम है। ये देखिए फॉर एग्जांपल चियो है, ये चियो, ये लीजेंड, लीजेंड, ऐसे बहुत सारे वैरायटी हैं। यहाँ पर ये गाइस मेलिना है, ये भी एक टाइप का रोज है। ये फार लाइन, फार लाइन, ये भी एक टाइप का रोज है। ये छोटे सुंदर सुंदर टाइप के रोज है इधर। अभी हम दोस्तों आपको नीचे का व्यू दिखा रहे हैं, ऊपर से। इसके दो पार्ट है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। नीचे का पार्ट का हम व्यू दिखा रहे हैं आपको ऊपर से, एक बार देख लीजिए, फिर नीचे जाके फिर से व्यू दिखाएंगे आपको हम। देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए जूम करके हम दिखा रहे हैं। ये दोनों का दिखाएंगे, यहाँ पर है व्यू। अभी हम जाएंगे उसके पास, खूबसूरत दिख रही है। ऊटी का भी व्यू बड़ा सुंदर दिख रहा है, देखिए दोस्तों ऊटी का व्यू। इस जगह में व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ना। हाँ, और दोस्तों अभी अद्वैत कुछ बोलने वाले हैं आपसे। तो गाइस यहाँ पर आप एक बार जरूर आइएगा इस रोज गार्डन में, क्योंकि रोज गार्डन में देखने के लिए बहुत कुछ है। एक तो वहाँ पे बैठने के लिए इतना सुंदर सा जगह है, वहाँ पर एक बटरफ्लाई है, वहाँ पे एक छोटा सा घर है, यहाँ पर व्यू देखने के लिए है, एंड मेन चीज यहाँ पर इतना सुंदर सुंदर रोज है। तो इन सबको देखने के लिए आप एक बार तो इधर जरूर आइएगा, एंड यहाँ पर देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, एंड हम आपको ये वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। Okay, दोस्तों यहाँ पर ये जो लोन है ना, इसमें सब फोटो खींच रहे हैं और रेस्ट ले रहे हैं। डायोरेसेंस नीला, देखिए व्हाइट कलर का सिंगल, ये जो ये दिखता व्हाइट है लेकिन इसका नाम है नीला। ब्लू मंडे, मैडम वायलेट, ये कुछ अच्छे अच्छे रोज हैं। नीला मादम, तो ये देखिए गाइस, ये है मार्स का शर्मा। इसका जो कलर है ये मार्स जैसा है, रेड रेड, एंड इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। एंड ये दोनों फ्लावर्स गाइस हवा में ऐसे झूम रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये कितना सा प्यारा सा छोटा सा व्हाइट डिलाइट है, एंड ये कितना सुंदर सा लग रहा है, एंड इसमें थोड़ा थोड़ा रेड रेड एंड व्हाइट बहुत प्यारा सा और खूबसूरत लग रहा है। लेडी बर्ड जॉनसन। अभी दोस्तों यहाँ से हम अभी नीचे उतरेंगे, ये नीचे की ओर गली है। यहाँ से अभी हम नीचे उतरेंगे इस गली से, नीचे का व्यू भी अच्छा है। बाप अभी अद्वैत वहाँ पर है, और ये दोस्तों नीचे का नीचे वाला व्यू, ये बीच वाला और वो ऊपर वाला। ये देखिए दोस्तों कैमेलिया टेम्पल रोज चाइना, एंशिएंट रोज फाउंड इन द टेम्पल ऑफ 10,000 कैमेलियास लिजियांग चाइना। लेकिन फूल अभी खिला नहीं है, अभी खिलेगा।
ये देखिए व्हाइट का एक सुंदर सा फूल। एरियल व्यू ऑफ थर्ड टेरेस, टोटल नंबर ऑफ बेड्स 14, टोटल नंबर ऑफ वेराइटी 730, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 3100। ये दोस्तों एक सुंदर सा पेड़। तो गाइस ये हम इसके थर्ड फ्लोर में आ चुके हैं, वहाँ पर बैठने के लिए एक छाटा लगा हुआ है आप देख सकते हैं, एंड वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर रखे हुए हैं, एंड यहाँ पर बाउंड्री भी लगी हुई ताकि कोई इनको तोड़ ना सके, पत्ते भी लगे हुए काफ़ी सुंदर सुंदर, यहाँ पर भी पत्ते वत्ते लगे हुए हैं। एंड मैं आपको जो हमारा लास्ट फ्लोर है ना, फोर्थ या फिर फिफ्थ में भूल, तो गाइस आपको वहाँ पे एक छाटा दिख रहा होगा, वहाँ पे एक छाटा है, वहाँ पे भी बैठने के लिए है, और वहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर रोजेस है, वहाँ पर पत्ते भी बहुत सुंदर सुंदर है, एक रास्ता जा रहा है, एंड अगर उधर का दिखा तो उधर तो गाइस आपको बहुत सुंदर सा व्यू देखने को मिल जाएगा। तो देखिए कितना ज़्यादा ऊँचा है, तो गाइस देखिए उधर बैठने के लिए सुंदर सा जगह है, एंड वहाँ पे बैठकर वो सब रोजेस का व्यू एंजॉय करते करते खाना पीना कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जो फ्लोरिंग है वो भी गुलाब से तैयार किया गया है, ये देखिए फ्लोरिंग जो है, फ्लोरिंग देखिए। अद्वैत कहाँ पर खड़ा है, गली है, गली है, छोटा सा रास्ता जा रहा है, ये एक अच्छा जगह है बैठने के लिए, अद्वैत अभी जा रहा है बैठने के लिए, देखिए दोस्तों। तो गाइस यहां पर देखने के लिए ऐसे ही बहुत सारे रोजेस एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं कैसे मजेदार प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है दोस्तों, रोज गार्डन का सफर अभी यहीं पर ख़त्म होता है, हम अभी अगले स्टेशन पर चलते हैं और आपको वो चीज़ भी दिखाएंगे।